जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल दुनिया के हर कोने में कोरोना जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से फैल चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हैंड वॉश या सैनिटाइजर, दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, हैंड वॉश या सैनिटाइजर को किस तरीके से इस्तेमाल करें। मैं आपको बताऊंगा कि हैंड वॉश करना सही है या हैंड सैनिटाइज करना सही है। सैनिटाइजर कौन सा होना चाहिए मैं आपको ये भी बताऊंगा। दोस्तों, हैंड वॉश जो है वो जब आप खाना बनाने जा रहे हैं उससे पहले करना चाहिए। अगर आप खाना बना रहे हैं और आपके हाथ में सब्जी या कुछ ऐसी चीज़ आती है जो आपने बाज़ार से लाया है, तो दोस्तों आपको हाथ खाना बनाने के बीच में ही हैंड वॉश करना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आप खाना बनाने जा रहे हैं वो ज़्यादातर बाहर से आया हुआ है और आपने रिसेंटली लाया है उस चीज़ को बाहर से, उसको टच करें या प्रिपेयर करें, आपको हैंड वॉश करना है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि खाना खाने के पहले आप हैंड वॉश ज़रूर करें। दोस्तों, हैंड वॉश करने के लिए आप सोप वाटर या फिर आप सोप यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी की केयर कर रहे हो जो बीमार है, उसको वॉमिटिंग या डायरिया जैसी बीमारी है, तो आपको अपना हैंड वॉश रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। अगर आप किसी के कट जाने पे या चोट लगने पे उसको ट्रीट करते हो तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए पहले भी और बाद में भी। आपको टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए। अगर तुरंत नाक साफ किया हो या आपको कफ आया हो या फिर आपने छींका हो तो आपको तुरंत करना है। अब अगर किसी तरह के गार्बेज को टच करते हो तब आपको तुरंत हैंड वॉश करना ज़रूरी है। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से पांच ऐसे रूल हैं जिसको यूज़ करके आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको कैसे हैंड वॉश करना है। आपको अपने हाथों को अच्छी तरीके से गीला करना है। आपको अपने हाथ को ठंडे या गर्म पानी से दोनों तरफ से अच्छे से गीला करना है। फिर आपको उसमें सोप अप्लाई करना है, हाथ रब करना है ताकि उसमें लेदर निकले, और आप अपने फिंगर्स के बीच में अपने नेल्स में हाथ के दोनों तरफ यूज़ करते हुए क्लीन करना है ताकि वो आपके हैंड के हर एरिया को कवर कर ले। आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से स्क्रब करें एटलीस्ट 20 सेकेंड तक के। अब अपने हाथ को साफ पानी में धोएं। फिर आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से धोने के बाद आप एक साफ टॉवल लें, उस टॉवल में आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से पोंछ लें। एयर ड्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि सैनिटाइजर, अगर आपको सैनिटाइजर यूज़ करना है तो आप सैनिटाइजर कैसे यूज़ करोगे। जो सैनिटाइजर आप यूज़ करोगे उसमें एटलीस्ट 60% एल्कोहल होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो भी सैनिटाइजर है उसमें 60% अगर एल्कोहल कंटेंट है तो फिर वो आपके लिए बेस्ट है, और ये जानकारी आप प्रोडक्ट के लेबल में देख सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि सैनिटाइजर जो है वो ज़्यादा फायदेमंद तो नहीं होता है, मगर टेम्परेरली आपके जो हाथ में जम्स है उसको किल करने के लिए इफेक्टिव है। वो सारे तरह के जम्स क्लीन नहीं करता है। हैंड सैनिटाइजर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, वो आपके गंदे हाथ को क्लीन नहीं कर सकता है, ना ही वो उसमें से डर्ट निकाल सकता है। हार्मफुल केमिकल्स भी आपके हाथ से नहीं निकालता है। इस बात का ध्यान रखें कि हैंड सैनिटाइजर ऑप्शनली आपको यूज़ करना है। हैंड सैनिटाइजर कैसे यूज़ करेंगे? हैंड सैनिटाइजर को आप अपनी हथेली पे ले, फिर उस पर दूसरा हाथ रख करके उसको अच्छी तरीके से हाथ के फ्रंट साइड में रब करें। जब अच्छी तरीके से हाथ के फ्रंट साइड में रब हो जाए तो आप उसको हाथ के बैक साइड पे रब करें। हाथ का ध्यान रखें कि आप फिंगर के बीच में नेल्स में अच्छी तरीके से रब करें, आप अपने हाथ को ड्राई कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हैंड सैनिटाइजर से ज़्यादा इफेक्टिव हैंड वॉश है। हैंड वॉश आपको रेगुलर करना है, और हैंड वॉश करने से आप अपने और अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू हैंड सैनिटाइजर, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर पूरी तरीके से आपके हाथ के जम्स को क्लीन नहीं करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के डेली हेल्थ टिप्स देखते रहें।